हिम्मतनगर में साइंस फेर योजायो, 900 थी वधु विद्यार्थियों भाग लीधो, अवनवी कृतियों रजू करी। एक्चुअली प्रोजेक्ट का मेन पर्पस जो था रखने का वो ये था कि जो हमारी शिक्षा के जो तरीके चल रहे हैं स्कूल्स के अंदर, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैं रखूँ सबके सामने। और मेरा मुख्य उद्देश्य ऐसा था कि साइंस को हम सिर्फ प्रोजेक्ट के द्वारा प्रस्तुत करे ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि उसके अंदर साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीन हिस्सा होता है, तो वो तीनों हिस्सों को अलग अलग ढंग से हमारा जो दिनचर्या होता है उसमें किस तरह से वो हमारा हिस्सा हर क्षण हर पल बना रहता है, उस चीज़ को उजागर करते हुए बच्चे को पूरा एक दिन का रूटीन बताए, जिससे कि उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए कि साइंस क्या चीज़ होती है, जिसमें फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है और केमिस्ट्री का है। तो वो जो अपना बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके बाद उनके दिमाग में ये पूरा सेट हो गया है कि फिजिक्स किस तरह से होता है, बायोलॉजी किस तरह से होता है और केमिस्ट्री किस तरह से होता है। वो खाते पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, पंखा का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो पिक्चर देखते हैं, पार्क में जाते हैं तो खेलते हैं, सी सॉ जैसे है तो उसमें कहाँ पर फिजिक्स आता है और किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। वो जब खाते पीते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, आवाज़ इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है, तब वो किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाता है। ये सब चीज़ को बताते हुए उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इसमें हमने कॉमर्स के बच्चों को भी साइंस का प्रोजेक्ट बनवाया है कि साइंस जो है वो कॉमर्स के लिए क्या कहाँ पे उपयोगी है, और आर्ट्स के बच्चों से भी ये प्रोजेक्ट करवाया हुआ है कि साइंस कहाँ उनकी दिनचर्या में आता है। तो ये जो फ़र्क मिटा रहा है कि कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स तीनों अलग अलग हिस्सा है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ किताबों के ज़रिए हिस्सा करके बताया जाता है ताकि वो लोड ना पड़े किसी के व्यक्तित्व पे। पर अगर बचपन से हम इसे बारीकी से समझ लेंगे तो पूरे जीवन हम इस हिस्से को हिस्सा बना के नहीं, एक ताकत बना के अपना जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पर्पस था और जो आज पूरा होता है। कितने बच्चों ने भाग लिया? करीब 900 बच्चे हैं और 100% सभी बच्चों ने भाग लिया। इसमें बाल मंदिर से लेके धोरण 10वीं और 12वीं के बच्चे तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, इसीलिए वो नहीं है, बाकी 9th और 11th वहाँ तक शामिल है सभी बच्चे।